अगर मीठा खाना पसंद करते हैं तो जलेबी खाने के शौकीन हैं तो खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि हाजीपुर में जलेबी की एक ऐसी दुकान जहां जलेबी खाने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। न सिर्फ वैशाली बल्कि आसपास के कई जिलों से लोग यहां खासकर जलेबी खरीदने और खाने आते हैं। यहाँ की जलेबी पूरे ज़िले में काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसका स्वाद हर कोई कायल है, और शायद यही वजह है कि लोग दूर दूर से जलेबी खाने ही आते हैं। दरअसल यह दुकान हाजीपुर जंदहा पथ पर स्थित पासवान चौक के पास है, जहां सुबह और शाम सिर्फ जलेबी खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। दुकान से 20 किलोमीटर दूर स्थित बिद्दूपुर से आए अमोद कुमार ने बताया कि वह बचपन से इस दुकान का जलेबी खा रहा है, सिर्फ जलेबी खाने के लिए ही इतनी दूर से चलकर यहां तक आया है। वहीं दुकान मालिक राणा सिंह ने बताया कि यह दुकान लगभग 45 साल पुराना है, पिछले 4 दशक से जलेबी बन रहा है। उसने बताया कि एक दिन में लगभग 2.5 क्विंटल जलेबी बनता है और बेचाता है, जिससे मुनाफा अच्छा हो जाता है। दुकानदार ने बताया कि 2.5 क्विंटल जलेबी बनाने में लगभग 1 क्विंटल मैदा लागत है, इसी अनुपात से चीनी और अन्य सामान भी लागत है। वहीं दुकानदार राणा सिंह ने बताया कि जो लोग यहां से जलेबी खाकर जाते हैं वह कहते हैं कि ऐसी जलेबी कहीं नहीं मिलता, और लोग बार बार जलेबी खाने के लिए हाजीपुर आते हैं और दुकान से जलेबी खाकर जाते हैं। वहीं 1 kg जलेबी का मूल्य 140 रुपया है, जिसे लोग खुशी से खाकर और फिर पैसा देकर चले जाते हैं। वहीं जलेबी खाने के लिए शाम होते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। वहीं जिले ही नहीं, जिले के बाहर से लोग भी जलेबी खाने के लिए राणा सिंह के दुकान पर पहुँचते हैं। यह दुकान हाजीपुर जनता मुख्य पथ के पासवान चौक के पास स्थित है। लोगों की भीड़ भारी है। बताइए, यहाँ कितने दिनों से दुकान चल रहा है और कहाँ कहाँ से लोग जलेबी खा रहे हैं? 45 साल से दूर दूर से आते हैं, वही जंदहा महनार ये सब। अच्छा, कितना जलेबी प्रतिदिन बिक्री होता है? वही दूध 2.5 क्विंटल। अढ़ाई क्विंटल जलेबी बनाने में कितना मैदा चीनी खर्च होता है? 1.5 क्विंटल लग जाता है। ऐसा जलेबी कहीं मिलता है या नहीं मिलता है? तो पता नहीं, अभी तक कस्टमर ही बताते हैं कि नहीं, यहाँ जैसा कहीं नहीं मिलता है। अपने जिला से दूसरे जगह से भी लोग आते हैं क्या? हाँ, आते तो हैं बहुत सारे। कितना लोग यहाँ काम करते हैं? 8-10 लोग होंगे। क्या नाम लिखते हैं? अपना राणा कुमार। बताओ भाई, कहाँ से आए हो? हम बिद्दूपुर से आए हैं, डेवा चौक गाँव हुआ। हम जलेबी खाने आए हैं स्पेशली यहाँ पर। क्यों, कैसे यहाँ इस दुकान के बारे में कैसे जानकारी हुआ? एक बार हाजीपुर आए थे इधर घूमने के लिए दोस्त के साथ, तो यहाँ भीड़ देखे बहुत ज़्यादा था, तो हम भी रुके, देखे किस चीज़ का भीड़ है, खा के देखे बहुत अच्छा लगा। उस टाइम से हम लगभग 1.5 साल से लगातार आ रहे हैं खाने, बहुत अच्छा लगता है यहाँ का जलेबी। जैसा और लोग तुम्हारे यहाँ बिद्दूपुर में जलेबी ऐसा नहीं मिलता? नहीं, इधर लोकल एरिया में इधर कहीं नहीं मिलता है ऐसा। पता है दुकान कितना दिनों से यहाँ पे है? वैसे तो बहुत पुराना है, हम जब से हम देखे तब से दुकान चल ही रहा है, एकदम भयंकर है। कैसा लगा जलेबी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कैसे, क्या रेट दिया जलेबी का? रेट अभी 140 का kg है। नाम बता दो। नाम मेरा मोहित कुमार हुआ।